या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम चौकी शाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊदु बिललाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम परिया सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह أصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मत ही जाएगा नाज़रीन एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं वेलकम कहते हैं मरहबा कहते हैं बहुत ही प्यारे इस प्रोग्राम में और जिस प्रोग्राम का नाम है बच्चों की शाम। जी हाँ बच्चों की शाम प्रोग्राम का नाम है और इस प्रोग्राम में होते हैं इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मत ही जाएंगे नाज़रीन आप जो है इस प्रोग्राम में अव्वल तो आखिर शिरकत फरमाइएगा। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मत ही जाएंगे नाज़रीन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इस प्रोग्राम में दुरूद शरीफ की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी है कम पढ़े या ज़्यादा कम पढ़े या ज़्यादा सुभान अल्लाह मिलकर कहें सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों हमें जो है ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों अभी मिलकर पढ़ते हैं सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मत ही जाएगा नाज़रीन अब बढ़ते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिससे हम अपने प्रोग्राम बच्चों की शाम का करते हैं आगाज और उस सेगमेंट का नाम है तिलावत कुरान पाक बच्चों की शाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद अशब रजा तारी। माशाल्लाह कैसे हैं आप ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह अच्छा आज आप हमें और किड्स मती जाए के नाज़रीन को कौन सी सूरत की तिलावत सुनाएंगे। इंशाल्लाह सूरह फलक की तिलावत सुनाएंगे। माशाल्लाह तो प्यारे बच्चों जब भी कहीं पर तिलावत कुरान पाक हो रही हो तो हमें अदब के साथ सुनना चाहिए। जी शुरू करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم। سبحان الله ما شاء الله आपने तिलावत कुरान पाक की अल्लाह पाक आपको इसकी बरकत नसीब फरमाए आमीन। अल्लाह पाक आपको भी बल्कि हम सबको भी बार बार मीठा मीठा मदीना दिखाए आमीन सुम आमीन बिजाए नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मत ही जाएगा नाज़रीन हमने प्रोग्राम बच्चों की शाम में शामिल की तिलावत कुरान पाक। प्यारे बच्चों अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जाने जिसका नाम है आज का सवाल बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों
बच्चों सेगमेंट है आज का सवाल। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज का सवाल है, बताएं नमाज में एक रकअत में कितनी बार रुकू किया जाता है, कितनी बार रुकू किया जाता है। मैं सवाल को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सवाल है, बताएं नमाज में एक रकअत में कितनी बार रुकू किया जाता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अकट मत जाएगा नाजरीन। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिसमें हमें सुनने को मिलता है बहुत ही प्यारा सा कलाम, और इस सेगमेंट का नाम है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कैसे हैं फरीद भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अला कुल्ली हाल, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अला कुल्ली हाल, अल्लाह का करम है। अच्छा फरीद भाई, माशाल्लाह, आज आप हमें और किड्स मते जाने के नाज़रीन को कौन सा कलाम सुनाएंगे? तू शमाए रिसालत है आलम तेरा परवाना। माशाल्लाह, तू शमाए रिसालत है आलम तेरा परवाना। जी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو شمع رسالت ہے رہ گئے ہیں ساتھ ہی۔
ریاست ہے فرید بھائی آپ نے بہت ہی پیارا کلام بڑے پیارے انداز میں پڑھا, اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے, آمین. اللہ پاک آپ کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے, آمین. اللہ پاک آپ کو بھی ہم سب کو بھی بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی باادب حاضری نصیب فرمائے, آمین. بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدی جائے کے ناظرین, میں نے آپ سے کیا ہے آج کا سوال, اور آج کا سوال میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, وہ ہے بتائیں نماز میں ایک رکعت میں کتنی بار رکوع کیا جاتا ہے. بتائیے نماز میں ایک رکعت میں کتنی بار رکوع کیا جاتا ہے. تو پیارے بچوں آپ کی کچھ کالز آئی ہیں, آئیں وہ شامل کرتے ہیں. جی سب کچھ اللہ نے بنایا ہے, سبحان اللہ. سورج کو دہکایا ہے, چاند کو بھی چمکایا ہے, واو, زمین کا فرش بچھایا ہے, ہوا کو چلنا سکھایا ہے, ماشاء اللہ, زمین ماشاءاللہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے, سب کچھ اللہ نے بنایا ہے, ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ نے جو ہے میں نظم سنائی, اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے, آمین, ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد چیلان رضا اتاری ہے, میں کوٹلا محمد سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے ایک رکعت میں ایک رکوع ہوتا ہے. جزاک اللہ خیرا. کرسمتی چینل ہمارا مدنی چینل, ماشاءاللہ. کرسمتی چینل ہمارا مدنی چینل, ماشاءاللہ. آپ نے جو ہے سوال کا جواب بھی دیا ہے, ماشاءاللہ. اب دیکھنا یہ کہ آپ کے سوال کا جواب درست ہے یا غلط, ہم آپ کو یہ بتائیں گے پروگرام کے آخر میں. جی نیکسٹ کال. میرا نام فاطمہ منصور ہے, میں آج کے سوال کا جواب دوں گی. آج کے سوال کا جواب ہے نماز کی ایک رکعت میں ایک دفعہ رکوع کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ آپ نے بھی سوال کا جواب دیا ہے, دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم پروگرام کے آخر میں کہ آپ کا جواب درست ہے یا غلط. جی نیکسٹ کال.
मेरा नाम आफिया तारिया है, मैं कोटबुला मोहम्मद से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है, एक रकात में एक रुकू होता है। जज़ाकअल्लाहु खैरा। किस लगनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाल्लाह जी, आपने भी सवाल का जवाब दिया है। इंशाल्लाह ताला हम सब इस सवाल का सही जवाब प्रोग्राम के आखिर में जरूर बताएंगे। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मुस्तकीम मंसूर है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है, एक रकात में एक बार रुकू किया जाता है। जज़ाकअल्लाहु खैरा। आमीन माशाल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है, मैं आपको जाना से हेल्प कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। मेरे प्यारे प्यारे हमजा भाई, आज के सवाल का जवाब है कि एक रकात में एक रुकू होता है। यस मदनी चैनल। आमीन आमीन माशाल्लाह जी, आपने भी सवाल का जवाब दिया है माशाल्लाह। अब देखेंगे कि आपका जवाब दुरुस्त है या गलत। प्यारे बच्चों, ये थी कुछ कॉल्स। अब प्रोग्राम बच्चों की शाम को बढ़ाते हैं आगे और बहुत ही प्यारे से सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है रेडी स्टडी। बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों, सेगमेंट है रेडी स्टडी। जी हाँ, रेडी स्टडी गो सेगमेंट है माशाल्लाह। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ टेबल भी पड़े हुए हैं। जी टीम मक्की आ जाए। माशाल्लाह टीम मक्की आ चुकी है। जी इंशाल्लाह ताला अब टीम मदनी को भी बुलाते हैं। जी टीम मदनी आ जाए। माशाल्लाह तो दोनों टीमें आ चुकी है। इंशाल्लाह ताला अब हम इन दोनों टीमों का तारुफ भी लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस सेगमेंट का फॉर्मेट बताता हूँ। प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट का फॉर्मेट ये है कि आप देख सकते हैं दो टीमें मौजूद हैं और इन दोनों टीमों से मैं करूँगा सवालात और इस सेगमेंट में होंगे दो राउंड। कितने राउंड होंगे? दो राउंड होंगे। प्यारे बच्चों, मैं जैसे ही सवाल करूँगा तो फिर जो सबसे पहले बजर बजाएगा उसको दिया जाएगा जवाब देने का मौका, और जो है जो ज़्यादा जवाब देगा वो जो है फर्स्ट राउंड का विनर होगा, और जो टीम फर्स्ट राउंड में हारेगी उनको मौका दिया जाएगा कि आप कंटिन्यू करेंगे या फिर जो है आप छोटा सा तोहफा लेकर चले जाएंगे। अगर वो कंटिन्यू करना चाहेंगे तो फिर जो है हम उनको इजाज़त देंगे कंटिन्यू करने की, लेकिन दूसरे राउंड में भी अगर वो हार गए तो उनको कोई तोहफा नहीं मिलेगा, और जो टीम जीतेगी जो पहले भी राउंड वन में जीत चुकी थी उनको जो है वो तोहफे मिलेंगे, लेकिन अगर टीम जो पहले जीत गई थी और बाद में आ रही है तो उनको छोटा तोहफा ज़रूर मिलेगा। और प्यारे बच्चों, अगर जो राउंड वन में टीम हारी थी और उनको छोटा तोहफा चाहिए था तो फिर उनको छोटा सा तोहफा देकर रुख्सत कर देंगे, और जो टीम जीती थी उनको जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों टीमों में, फिर उनके दरमियान मुकाबला होगा। तो आप दोनों टीम रेडी हैं? अब शुरू करते हैं अपना सेगमेंट। जी सवाल कर रहा हूँ मैं पहला, अल्लाह ताला ने जिन्नात को किस दिन पैदा फरमाया? टीम मक्की ने पहले बजर बजाई है। जी बताएं आंसर। जुमेरात के दिन। जुमेरात के दिन कंफर्म है आप? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह जी, अगले सवाल की जाने बढ़ रहा हूँ और वो सवाल है, जब शैतान बुरे काम का मशवरा दे तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? टीम मदनी जी आंसर दे, आपने बजर बजाइए पहले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। माशाल्लाह, आपने जवाब जो दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अगला सवाल, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की शहादत किस तारीख को हुई? टीम मदनी ने एक बार फिर बेल बजा दी है। जी 21 रमजानुल मुबारक को। 21 रमजानुल मुबारक को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनु की शहादत हुई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हां अल्लाह माशाल्लाह जी, अगले सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ और वो सवाल ये है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? टीम मक्की जी। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अनु ने। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अनु ने। कंफर्म है? जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत से पहले कौन से शहर में तशरीफ फरमा होते थे? मक्की ने पहले बजाई है। जी टीम मक्का शरीफ में। जी मक्का शरीफ में। मक्का शरीफ में कंफर्म है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अच्छा टीम मक्की आप जो है वो माइक में आंसर दीजिएगा, ठीक है? और टीम मदनी आप भी जो है माइक में आंसर दीजिएगा।
जी नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, और वो क्वेश्चन क्या है, रमजान अल मुबारक के बाद कौन सा इस्लामी महीना आता है? जी बहुत ही क्लोज है सवाल, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अब देखते हैं कि कौन पहले बजर बजाएगा, क्योंकि अभी जो बजर बजाई थी वो बहुत क्लोज थी। अच्छा सवाल यह है कि रमजान अल मुबारक के बाद कौन सा इस्लामी महीना आता है? जी टीम मदनी ने पहले बजर बजाई है, जी आंसर भी आपने किया, शव्वाल अल मुकर्रम। शव्वाल अल मुकर्रम कन्फर्म है आप? जी हाँ, रमजान अल मुबारक के बाद इस्लामी महीना शव्वाल अल मुकर्रम आता है, इसलिए जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन करूं, रेडी है दोनों टीम? यस। जी तो मैं सवाल करता हूँ, जन्नती औरतों की सरदार किन खातून को कहा गया है? टीम मदनी, टीम मदनी पहले बदर पर जाएगी इसलिए जवाब भी वो देंगे। जी हजरत बीबी फातिमा। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। जी नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, लफ्ज कुरान में कितने हुरूफ हैं? टीम मदनी ने एक बार फिर बजर पहले बजा दी है, अब आंसर भी वही देंगे फिर। चार। जी चार। चार कंफर्म है आप? आपने गिना है? नहीं गिना? आपको पता है? पहले से पता है माशाल्लाह, लेकिन आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। जी सवाल नंबर 9 करने जा रहा हूँ, और वो सवाल ये है, मुसलमान जन्नत में कितने साल रहेंगे? टीम मक्की ने आखिरकार बजर बजाई दिए, जी आंसर दें। मुसलमान जन्नत में हमेशा रहेंगे, इन्हें वहां से निकाला नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह, मुसलमान जो है जन्नत में हमेशा रहेंगे, वहां से कभी निकाले नहीं जाएंगे। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। जी इस राउंड का आखिरी सवाल करने जा रहा हूँ, अब देखना यह है कि जो है टीम मदनी आंसर देगी, अगर वो पहले बजर बजाएंगी तो टीम मदनी आंसर देगी, और अगर टीम मक्की पहले बजर बजाएगी तो फिर टीम मक्की जो है वो पहले आंसर देगी। जी सवाल है इस राउंड का आखिरी, कि कुरान पाक की आखिरी सूरतें सूरह फलक सूरह नास से पहले कौन सी सूरत आती है? टीम मदनी आपने जो है सवाल मुकम्मल होने से पहले बजर बजा दी है, इसलिए अब जो है टीम मक्की से आंसर लिया जाएगा। सूरह इखलास। माशाल्लाह, टीम मक्की ने आंसर दिया सूरह इखलास, और उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, जब तक जो है स्कोर काउंट हो रहा है, तो प्यारे बच्चों जब तक हम लोग लेते हैं प्रोग्राम बच्चों की शाम में कुछ कॉल्स। जी मेरा नाम अमीना तारिया है, मैं बाबुर मदीना कराची से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको सवाल का जवाब बताऊंगी। आज के सवाल का जवाब है एक रुकु। आपने भी जवाब एक रुकु दिया है, अब देखना ये है कि आपका जवाब दुरुस्त है या गलत। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम प्रोग्राम के आखिर में इसका जवाब बताएंगे। जी नेक्स्ट कॉल। मेरे प्यारे प्यारे हमजा भाई, मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी तौसा शरीफ से। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। एक बार बच्चों की शाम जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने भी जवाब दिया, अब देखना ये आपका जवाब दुरुस्त है या गलत। जी नेक्स्ट। मेरा नाम मक्की अत्तारी है, आज के सवाल का जवाब एक है। किड्स मदनी चैनल। हमारा माशाल्लाह। जी प्यारे बच्चों, और किड्स मती चाय के नाजरीन नेक्स्ट कॉल के जाने पड़ते हैं। जी मैं हूँ मीरा फातिमा ताई अस्ताई, आपको आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपके सवाल का जवाब है एक रुको। आए सहाबिया जन्नती जन्नती ओ उमर फारूक थी जन्नती जन्नती। टीम मदनी और टीम मक्की इन दोनों ने जो है बराबर है इन दोनों का स्कोर, क्योंकि दोनों ने जो है 5 points हासिल किए, दोनों ने 5 points हासिल किए, इसलिए जो है ड्रॉ हो चुका है राउंड वन। अब मैं करूँगा एक सवाल, और उसका जवाब देना होगा आपने। सवाल यह है, बताएं बच्चों की शाम के 3 segments के नाम। जी टीम मदनी ने पहले बजा दिया है, अब टीम मदनी बताएंगे बच्चों की शाम के 3 segments के नाम। जी आए कुरान सीखें, आए नमाज सीखें, हमारे प्यारे बच्चों की शाम के सेगमेंट्स बताने मदनी चैनल के प्रोग्राम नहीं, यशमती चैनल के प्रोग्राम। तिलावत। तिलावत आज का सवाल। आज का सवाल। जी आपने तीनों के तीनों जो सेगमेंट्स है वो बिल्कुल दुरुस्त बताए हैं। सुभान अल्लाह माशाल्लाह।
तो माशाल्लाह इस राउंड की जो विन है विनर है वो है टीम मदनी। अब टीम मक्की को ऑप्शन देंगे कि आप जो है कंटिन्यू करना चाहेंगे कंटिन्यू करना चाहेंगे या फिर जो है आप छोटा सा तोहफा लेकर लेकर रुखसत होंगे। कंटिन्यू करना चाहेंगे कंफर्म। देख लें अगर आप अगले राउंड में भी हारे तो फिर आपको कोई तोहफा नहीं मिलेगा और टीम मदनी को जो है वो सारे तोहफे मिल जाएंगे। ठीक है मंजूर है आपको। चले भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग राउंड टू। माशाल्लाह जी राउंड टू स्टार्ट हो चुका है और राउंड टू का पहला सवाल है घर तो घर सारे मोहल्ले को सजाते जाएंगे ये कौन सी नाक का शेर है। टीम मक्की ने पहले बजर बजाइए जी आंसर दें। नूर वाला आया है। नूर वाला आया है और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह जी अगला क्वेश्चन दुनिया में तशरीफ लाने वाले सबसे पहले इंसान का नाम बताएं। टीम मक्की ने एक बार फिर बजर बजा दी है। सुभान अल्लाह जी हजरत आदम अलैहि सलाम। हजरत आदम अलैहि सलाम जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह जी अगला सवाल हजरत हारून अलैहि सलाम किन नबी अलैहि सलाम के भाई है। हजरत हारून अलैहिस्सलाम किन नबी अलैहिस्सलाम के भाई है ये सवाल किया था मैंने और टीम मदनी ने जो है वो पहले बजर बजाई थी जी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन ये है कि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक का जो तर्जमा किया है उसका नाम क्या है। टीम मक्की ने एक बार फिर बजर बजा दी है जी जवाब दें। कंजुल ईमान। कंजुल ईमान कंफर्म है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक तवाफ में कितने चक्कर लगाने होते हैं। सवाल जो है वो मैं कंप्लीट नहीं करा था और टीम मदनी ने जो है वो जवाब बता दिया है। टीम मक्की की जानिब आएंगे जी आंसर दें। सात। सात कंफर्म है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सूरतुल कौसर में कितनी बार हर्फ मीम आया है। टी मदनी जी आंसर दे। एक भी बार नहीं। एक भी बार नहीं जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह कभी मुकाबला जो है इस तरफ आता है तो कभी इस तरफ आता है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने पर रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन है अरकान इस्लाम कितने हैं। पांच। टीम मदनी ने जो है वो बजर बजाई थी और आपने आंसर दे दिया है लेकिन जो है टीम मदनी ने बजर बजाई थी जी आंसर दे। पांच। पांच कंफर्म है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। देखें मैं जिसको दूं ना जिसको मैं बोलूं कि जो है आपने बजर बजाइए तो वही जवाब देंगे ऐसे ही आपने जवाब नहीं देना। ठीक है अगले सवाल के जाने बढ़ रहा हूँ और वो सवाल ये है 20 रकत वाली नमाज का नाम बताएं। टीम मदनी जी तरावी की नमाज। तरावी की नमाज जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह जी। अगले सवाल के जाने बढ़ रहा हूँ वो सवाल ये है हमें दुआ में कौन सी जन्नत का सवाल करना चाहिए। जी टीम मक्की जन्नतुल फिरदौस। जन्नतुल फिरदौस का जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अच्छा दोनों टीमों से गुजारिश की जाती है कि जैसे ही मैं सवाल कंप्लीट करूं तभी बजर बजाइएगा। सवाल से पहले जो है सवाल कंप्लीट होने से पहले आपने बजर नहीं बजानी जी। राउंड टू के लास्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ रहे हैं और वो क्वेश्चन ये है पानी पीने के बाद क्या पढ़ना चाहिए। दे मदनी जी आंसर दे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्म है। पहले आप जो है बिस्मिल्लाह कह रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका फाइनल आंसर है। सुभान अल्लाह जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अब राउंड टू का भी स्कोर कैलकुलेट होना है तो वो कैलकुलेट हो रहा है तब तक हम बच्चों के शाम प्रोग्राम में कुछ कॉल शामिल करते हैं जी। मैं ध्यान अतारी कौन सा शरीफ से मैं नारे लगाऊंगा अरे सहाबी नबी जन्नती सब सहाबिया तभी जन्नती हर सहाबिये
नबी जन्नती जन्नती सब सहाबियात पे जन्नती जन्नती चार यारा ने नबी जन्नती जन्नती हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती उस्मान गनी जन्नती जन्नती फातिमा और अली जन्नती जन्नती है हसन हुसैन भी जन्नती हर जोजाए नबी जन्नती जन्नती वालिदैन नबी जन्नती जन्नती हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती है मुआविया भी जन्नती जन्नती और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती हर सहाबी नबी जन्नती 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 माशाल्लाह जी नेक्स्ट कॉल मेरा नाम मोहम्मद हसन कादरी है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है कि नमाज की एक रकात में एक रुकू होता है। माशाल्लाह आपने जो जवाब दिया इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम के आखिर में इस सवाल का जवाब बताएंगे सही जवाब बताएंगे जी नेक्स्ट कॉल खदीजा तारिया है मैं बुजनाला से बात कर रही हूँ मुझे मेरा प्रोग्राम बच्चों की शान बहुत और बहुत अच्छा लगता है आज मैं आपको एक कलाम सुनाना चाहती हूँ हस्बी रब्बी जल्लल्ला मासी कलबी गैरुल्ला नूर मुहम्मद सल्लल्ला ला इलाहा इल्लल्ला जिजाक अल्लाह खैरा के मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल माशाल्लाह अच्छा प्यारे बच्चों आपको सुन के हैरानगी होगी कि जो है राउंड टू में भी दोनों टीमों का स्कोर जो है वो बराबर है क्योंकि दोनों ने पांच पांच सवाल के जवाब दिए जी तो अब जो है मैं दोबारा एक और सवाल करूंगा और उस सवाल का जो जवाब है वो आपने बजर बजा के देना है और जो सबसे पहले बजर बजाएगा उसको जवाब देने का मौका मिलेगा और सवाल यह है कि प्रोग्राम बच्चों की शाम कृष्णमती चैनल का बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है प्रोग्राम बच्चों की शाम वो हफ्ते में कितने दिन आता है टीम मक्की ने बजर बजाई है अब देखना यह है कि वो जवाब दुरुस्त देते हैं या गलत जी दो बार कंफर्म है नहीं नहीं वो पूरा हफ्ता आता पूरा हफ्ता पूरे हफ्ते में 7 डेज होते हैं 5 दिन आते 5 दिन सोच लें भाई आपने 3-4 जवाब दे दिए फाइनल आंसर बताए 5 डेज कंफर्म है जवाब दुरुस्त दे दिया है सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज रहा सुभान अल्लाह माशाल्लाह टीम मक्की जो है वो राउंड वन हार चुकी थी क्योंकि एक सवाल का जवाब जो है देना था आखिरी सवाल था लेकिन जो है वो टीम मदनी ने पहले बजर बजा दी थी इसलिए जो है राउंड वन के विनर हो गए फिर टीम मक्की ने जो है बोला कि हम कंटिन्यू करेंगे और फिर कंटिन्यू करने के बाद राउंड टू में भी जो है दोनों ने जो है बिल्कुल सही जवाब दिए बराबर हो गया स्कोर और फिर जो है टीम मक्की ने आखिरी सवाल पूछा गया तो टीम मक्की ने जवाब दुरुस्त दे दिया सुभान अल्लाह लेकिन जो भी बात है टीम मदनी आपने भी बहुत अच्छी कोशिश की है तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आपको जो है तोहफा दिया जाएगा बिल्कुल तोहफा दिया जाएगा ये आपके लिए गिफ्ट है ठीक है जना आमीन जी और ये जो है टीम मक्की आप जो है सेगमेंट रेडी स्टेडी गो के रेडी स्टेडी गो के विनर थे इसलिए आपके साथ बड़ा वाला गिफ्ट भी गया है और छोटा वाला भी सुभान अल्लाह माशाल्लाह तो प्यारे प्यारे बच्चों अकेट्स मद्दी चैनल के नाजरीन ये था सेगमेंट रेडी स्टेडी गो बच्चों की शाम का बहुत ही प्यारा सेगमेंट अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जाने लेकिन उससे पहले आपकी कुछ कॉल शामिल करते हैं जी जी आपने जवाब दिया तो इंशाल्लाह ताला हम जो प्रोग्राम के आखिर में इसका सही जवाब देंगे जी नेक्स्ट कॉल उमर अब्दुल वहाब अतारी मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा नमाज की एक रकात में एक बार रुकू किया जाता है माशाल्लाह आपने भी कॉल करी आपका बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह अच्छा टीम मक्की और टीम मदनी आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अब हम आपको इजाजत देंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी नेक्स्ट कॉल माशाल्लाह
हमजा भाई, मैं हूँ ज़ैनब मुनियाकर रांची से। आज मैं आप सबको किड्स मदनी चैनल का टाटा सुनाऊंगी। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया बच्चों का मदनी चैनल आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का मदनी चैनल आ गया। क्या बात है, सीखना भी खेलना भी पढ़ना भी है, दिखाना सबको देखना भी है। प्यारे प्यारे ये सिलसिले देख के सबके दिल खिले, प्यारे प्यारे ये सिलसिले देख के सबके दिल खिले। आ गया बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों की शाम जिंदाबाद। जज़ाकल्लाहु खैरो। आमीन माशाल्लाह। बच्चों का मदनी चैनल आ गया माशाल्लाह। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी नेक्स्ट कॉल। मैं नूर ज़ैनब बिनते मुख्तार अत्तारिया बात कर रही हूँ, जिला मंडी बहौल दीन से। आज के सवाल का जवाब है, एक रकत में एक बार रुकू किया जाता है। माशाल्लाह जी। लास्ट कॉल। मेरा नाम जमान है, मैं जिला रेंजा का। आज मैं आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। हर रकात में एक रुकू होता है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। हर साहब ये नबी जन्नती फातिमा और अली जन्नती जन्नती। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल माशाल्लाह जी। तो प्यारे प्यारे बच्चों, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन प्रोग्राम बच्चों की शाम में आपकी कुछ कॉल शामिल करी। अब बढ़ते अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है आज की सुन्नत। बच्चों की शाम। यार बच्चों, सेगमेंट है आज की सुन्नत माशाल्लाह जी। प्रोग्राम बच्चों की शाम में सेगमेंट है आज की सुन्नत माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं हमजा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह। आप अपना नाम बताएंगे? मोहम्मद सुफियान अत्तारी। माशाल्लाह सुफियान भाई जी, आप अपना सेगमेंट स्टार्ट करें जी। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मेहमान नवाजी करना सुन्नत मुबारक है। हदीस मुबारक में इसके बहुत से फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, बल्कि यहाँ तक फरमाया है कि मेहमान बाइस खैर व बरकत है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में मेहमान हो उस घर में खैर व बरकत इसी तरह दौड़ती है जैसे ऊँट की कोहान से छरी तेज़ी से गिरती है, बल्कि इससे भी तेज। प्यारे बच्चों, छरी ऊंट के कोहान पर रख दें तो फौरन लड़क कर नीचे की तरफ आ जाती है। मेहमान की वजह से खैर बरकत इससे भी ज़्यादा तेज़ी के साथ नाजिल होती है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जब कोई मेहमान किसी के यहाँ आता है तो अपना रिस्क लेके आता है, और जब इसके यहाँ से जाता है तो साहिब खाना के गुनाह बख्शने का सबब होता है। तो प्यारे बच्चों, हमें अपने घर आने वाले मेहमानों की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इनकी खूब मेहमान नवाजी करनी चाहिए, ताकि अल्लाह पाक हमें इस अच्छे अमल की बरकतें अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए। आमीन आमीन। नबी जिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, आपने जो है सुफियान भाई, बहुत ही प्यारे अंदाज में आपने बच्चों को समझाया। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको इसकी बरकत नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक आपको भी बार बार मीठा मीठा मदीना दिखाए माशाल्लाह। और अल्लाह पाक हमें, हमने जो इस सेगमेंट में सुना, अल्लाह पाक उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी। हमारा मत्ती मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल माशाल्लाह। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तस्किरा है कुरान में। माशाल्लाह प्यारे बच्चों, सेगमेंट है तस्किरा है नेको का माशाल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल हाल। जी आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम मोहम्मद उसैद रजा तारी। माशाल्लाह उसैद भाई जी, आप स्टार्ट करें अपना सेगमेंट। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इंशाल्लाह इस सेगमेंट में आज हम सुनेंगे
एक बहुत ही प्यारे सहाबी और अहले बैत के एक अहम फ़र्द के बारे में जो नवासे रसूल है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फूल हैं। जी तो हम बात कर रहे हैं इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में। चले आए आपको इनके बारे में कुछ बातें बताते हैं। इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 15 रमज़ानुल मुबारक 3 हिजरी को मदीने तैयबा में पैदा हुए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम हसन और कुनियत अबू मोहम्मद है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लकब सिबत रसूलिल्लाह यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। एक लकब रैहानतुर रसूल है यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फूल। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हकीके में 2 दुम्बे ज़िबा फरमाए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बढ़कर कोई भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुशाहबत रखने वाला ना था यानी आप सबसे ज़्यादा हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में मिलते थे। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 5 रबीउल अव्वल 49 हिजरी को मदीने मुनव्वरा में शहीद हुए। अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बिला हिसाब मगफिरत हो। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह सैयद भाई आपने जो है बहुत ही प्यारा अंदाज था आपका, आपने बच्चों को समझाया। अल्लाह पाक आपको इसकी बरकत नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक आपको भी बार बार मीठा मीठा मदीना दिखाए। आमीन। तो प्यारे प्यारे बच्चों अकेट्स मती जाए के नाजरीन शामिल करते हैं आपकी कुछ कॉल्स। जी मेरा नाम हिबा फातिमा तारिया है। आपके सवाल का जवाब है एक बार रुकू कहा जाता है। माशाल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मोहम्मद मुजम्मिल मदनी अफ्तारी है। मैं डेरा इस्माइल खान और नईवेला से बात कर रहा हूँ। हमजा भाई मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा। एक रखू जजाकल्लाहु खैरा किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम सैयदा तस्बिया फातिमा है। मैं कराची से बोल रही हूँ। आपके सवाल का जवाब एक रकात में एक रुकू होता है। अच्छा जी, तो जो है अब प्रोग्राम बच्चों की शाम का वक्त जो है वो इख्तिताम तक पहुँच रहा है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको जो है सवाल का जवाब बता देता हूँ। और आज के सवाल का जवाब है कि सवाल ये था कि बताएं नमाज एक नमाज में एक रकात में कितनी बार रुकू किया जाता है। और इसका जवाब है एक बार। जिन बच्चों ने ये जवाब दिए माशाल्लाह उन सब का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक उनकी बरकत अल्लाह पाक उनको इसकी बरकत नसीब फरमाए। आमीन। और प्रोग्राम बच्चों की शाम में हमने जो जो सीखा अल्लाह पाक उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब बढ़ते हम लोग फरीद भाई की जानिब। जी कलाम सुनाए। वगा क्या जो तो करम गए शगबत सिलसिले देख के सबके दिल खिले मदनी।